हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि टम्बलर पर अकाउंट कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि टम्बलर का अकाउंट कैसे बनाएं, फिर उसको फेसबुक इंस्टाग्राम से कैसे लिंक करें, और ये कैसे कार्य करता है और इसको किस तरह यूज़ करें। टम्बलर कैसे कार्य करता है, इसको किस तरह यूज़ करें तथा इसके क्या बेनिफिट हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। देखो, इसका अकाउंट बनाने के लिए आप ब्राउज़र से जा सकते हो या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए मैं वेबसाइट के थ्रू जा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में ये ऊपर सर्च बार है, इसमें टाइप कीजिए टम्बलर। तो दोस्तों, ये फर्स्ट साइट पर आ गई है, टम्बलर की साइट आ गई है। टम्बलर को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कीजिए, वरना गेट स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले ये ईमेल मांग रहा है, फिर पासवर्ड, फिर आप यूज़र नेम दीजिए। तो मैं ईमेल दे देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये सब फिल कर दिया है, इसके बाद में साइन अप पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये आपकी उम्र मांग रहा है। मैं कर देता हूँ। और ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप अगर पढ़ना चाहें तो टर्म और सर्विस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, वरना आप इसको सही कर दीजिए। यस करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप कोई रोबोट तो नहीं हो, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, ये हमने वेरीफाई कर दिया है कि हम रोबोट नहीं हैं। तो दोस्तों, ये हमने टम्बलर अकाउंट तो बना लिया है। इसके बाद में हम इसका कैसे उपयोग करेंगे वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये तीन लाइनें दिख रही हैं, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई नई पोस्ट करनी है तो ये क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ऊपर ये आया हुआ है, ये टाइटल है, आप टाइटल दे दीजिए। फिर ये बॉडी है, बॉडी में आप कुछ लिखना चाहे वो रहेगा, हाउ टू, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही आपको बताने के लिए। क्रिएट कीजिए। आप इसमें अगर कोई इमेज डालना चाहते हो तो, या फिर टेक्स्ट फॉन्ट कुछ अलग करना चाहते हो, इमेज डालना चाहते हो, तो इस कैमरे पर क्लिक कीजिए। कैमरे वाला खुल गया है, ऑप्शन को ऑप्शन दिख रहा है आपको। फिर कोई इमेज चॉइस करना है, जैसे मैं ये चॉइस कर लेता हूँ। इमेज चॉइस होने के बाद आप कुछ लिख सकते हो और पोस्ट पर क्लिक कीजिए। ये हमने अबार पोस्ट किया था, वो अब पोस्ट हो गया है। तो इस तरह आप इमेज कुछ भी पोस्ट कर सकते हो इस अकाउंट पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए किस काम आ सकता है। तो देखिए, आप अपने YouTube चैनल या Facebook पेज को अगर प्रमोट करना चाहते हो या Instagram अकाउंट को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप इस टम्बलर के जरिए आप कर सकते हो आसानी से। इसके लिए आपको एप्लीकेशन का उपयोग करना पड़ेगा। मैं पहले आपको सेटिंग्स बता देता हूँ, फिर एप्लीकेशन का उपयोग आप हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये क्लिक कीजिए, इसके बाद में सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये आप अगर अपना यूजर नेम, पासवर्ड, भाषा या फिर ये कुछ और चीज़ें हैं, ये अगर आप बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। और अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में ये अकाउंट डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन, ऐप्स और प्राइवेसी के बारे में कुछ दिया हुआ है। आप ये ऊपर दिख रहा है ना, कुछ आदमी सा टाइप का आइकन, तो इस पर क्लिक कीजिए।
इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ एडिट अपीयरेंस, सबसे नीचे लिखा हुआ है एडिट अपीयरेंस, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके बाद में आप अपने टम्बलर अकाउंट की टोटल सेटिंग कर सकते हो। जैसे ये आपका सबसे पहले आप चाहते हो कि इमेज लगाएं, तो इमेज लगाने के लिए आप एडिट अपीयरेंस ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस इमेज, ये एडिट एडिट का सीन आया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप कैसी इमेज डाल लिखा हुआ है सोइस ऑफ फोटो, फिर आप फोटो सेट कर लेंगे, करने के लिए आप फोटो सोइस कर लीजिए। मैं ब्राउज पर क्लिक करता हूँ और फोटो सेट करने के लिए फोटो को चुन लेता हूँ। जैसे मैं ये देना चाहता हूँ, तो ये आ गया है। अगर आप गोल रखना चाहते हो तो ऐसा गोल रखो, और आपका ये, इसके बाद में ये ऊपर सेव का बटन आया हुआ है, सेव। सेव पर क्लिक कीजिए। आप अपना बैकग्राउंड भी बदल सकते हो, बैकग्राउंड के लिए इस पर क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड में नहीं बदलना चाहता, मैं सेव पर क्लिक करूंगा। सेव पर क्लिक करने के बाद नाम पर क्लिक करोगे, जैसे ये एडिट अपीयरेंस, फिर नाम पर क्लिक करोगे तो नाम का कुछ कलर और बदलाव दोनों कर सकते हो। और फिर आप एक बार टैप कीजिए और फिर सेव पर क्लिक कीजिए और ये नाम भी सेव हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप कोई ऐप कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे दूसरा एप्लीकेशन है वो इस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो मैं बता देता हूँ। तो आप एंड्रॉइड यूज़र हो, अगर आईफोन यूज़र हो तो आईपैड या आईफोन ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो एंड्रॉइड पर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये एंड्रॉइड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये टम्बलर का कुछ ऐसा इंटरफेस, कुछ ना एप्लीकेशन आ जाएगा, और इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद में इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। मैं ओपन कर लेता हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए और ये ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपने वो पहले अकाउंट तो बनाया है, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये ईमेल मांग रहा है, तो हमने पहले ईमेल दी थी वो, ये हमको लिंक भेजेगा। अगर आप लिंक के जरिए जाना चाहते हो या फिर एंटर पासवर्ड, में पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। पासवर्ड के बाद में पासवर्ड दे देता हूँ, तो मैंने पासवर्ड दे दिया। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो ये एप्लीकेशन में आप ओपन कर लिए, तो एप्लीकेशन में आप एंटर हो गए हो। इसके बाद में ये कुछ, अगर आप कोई पोस्ट करना चाहते हो तो ये पेन की तरफ, पेंसिल की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है, इस पर आइकन पर क्लिक कीजिए। और यहाँ एप्लीकेशन के जरिए आप कैसे पोस्ट कर सकते हो इसके अलाउ करना पड़ेगा, और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, और यहाँ से डायरेक्ट आप वीडियो पोस्ट भी कर सकते हो अगर नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ दूसरे लिंक, कैसे आप दूसरे अकाउंट को इस अकाउंट से कैसे लिंक करें। तो सबसे पहले आप इस मानव के आकार का, ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद लिंक्ड अकाउंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में ये सबसे ऊपर ट्विटर का अकाउंट आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं आपको ट्विटर का अकाउंट इस पर कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन भी अगर इस तरह एप्लीकेशन से लिंक करना चाहते हो तो ऐसे ही कर लीजिए, मैं इसका बता रहा हूँ एक का। तो सबसे पहले यूज़र नेम डालिए, ट्विटर का यूज़र नेम, जो आप ट्विटर पर हो, ट्विटर लिंक कर रहे हो तो ट्विटर का यूज़र नेम डाल देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये लॉगिन हो गया है। इसके बाद में ये ऑर्थोसाइज ऐप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए आपका एप्लीकेशन, ट्विटर का एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ गया है। अगर आप ट्विटर पर कुछ पोस्ट करते हो तो अपने आप यहाँ पर पोस्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह आपके मोबाइल में अगर दूसरे एप्लीकेशन हैं तो आप उन एप्लीकेशनों को भी इसी तरह से इस एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट कर सकते हो और उन एप्लीकेशन। तो दोस्तों कुछ इस तरह करते हैं टम्बलर का उपयोग। अगर आपको ये इसका वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।